पीथमपुर क्षेत्र के थाना सागौर में दीपावली और धनतेरस त्यौहार के चलते पटाखा व्यापारियों की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में व्यापारियों को विदेशी पटाखा, धार्मिक चित्र वाले पटाखा नहीं बेचने की हिदायत दी गई। दुकान नियमानुसार दूरी पर लगाने और COVID-19 के चलते प्रत्येक दुकान पर सैनिटाइजर रखने और शासन के निर्देशों का पालन करने को कहा गया। मीटिंग में नगर पालिका पीथमपुर के सागौर जोन प्रभारी मनोज शर्मा उपस्थित थे। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। और जो सबसे मेन मुद्दा है, अभी आपने सभी वक्तों को सुना भी होगा, संदेश भी देखा होगा, कानून बन गया है, बना रहा है, 3 साल की सजा है। विदेशी पटाखे किसी भी सूरत में नहीं बिकेंगे। विदेशी से मतलब भारत से बने के अलावा अन्य देशों के, जिसमें चाइना है, चाइना के अतिरिक्त अन्य देश वो वाले पटाखे नहीं लेंगे। साथ ही आपको ये जानकारी और होगी कि अभी बहुत ज़्यादा मुद्दा चल रहा है कि जो देवी देवताओं के छपे हुए जैसे पुराने समय में हमको तो याद है कि हम लक्ष्मी बम नाम ही सुनते जाते थे दुकान पर, क्या यही बोलते थे कि यार लक्ष्मी बम का एक पैकेट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।